हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 14,500 निफ्टी आ सकता है, और अगर वो लेवल टूटता है तो 14,200 एंड 13,600 के आने के भी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आज अगर आप देखो, ओपनिंग में 14,500 के आसपास ओपन हुआ, जो पहला कैंडल था 15 मिनट का वही पॉजिटिव कैंडल था। यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, और यहाँ पर आपको पहला ही कैंडल दिख रहा होगा हैमर कैंडल। इलेक्शन का एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज़ था, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बड़ा फॉल हो सकता है, और ये मैंने कंसेप्ट आपको पहले भी बताया है, एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज़ में पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो प्राइजेज ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज अगर आप मॉर्निंग में देखो, इलेक्शन का एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज़ था, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप डाउन होगा और फॉल कंटिन्यू होगा, और पहला ही कैंडल अगर आप देखो हैमर कैंडल है, बुलिश कैंडल है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है नेगेटिव न्यूज़ में, तो डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के मैसेज भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स लिए थे, ONGC, सिप्ला, ये सब कैश सेगमेंट के ट्रेड्स हैं, इसमें हम लोग 100 शेयर से ज्यादा नहीं करते, ये दोनों में ही माइनर लॉस में हम लोगों ने एग्जिट किया। फिर मैंने बैंक निफ्टी का पुट सेल दिया, 32,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, 520 के आसपास मैंने पुट सेल दिया था, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, 450, 370, 250 का मैंने टारगेट दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो ये पुट में फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, और ONGC और सिप्ला मैंने आपको बोला कि एग्जिट किया हम लोगों ने थोड़े बहुत लॉस में, तुरंत हम लोग इसमें ट्रेलिंग SL रूल फॉलो करते हैं, और ट्रेलिंग SL हमारा इसमें हिट हो गया। एक्साइड इंडस्ट्रीज मैंने बाय दिया था 181 में, इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, 185 का फर्स्ट टारगेट था, और यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, और बैंक निफ्टी का ये जो पुट है 32,000 का पुट, हमारे ट्रेड लेने के बाद में ये पुट ने लो बनाया 296 का, हम लोगों ने शॉर्ट कितने में किया था 525 में, तो इसमें काफी अच्छा पैसा आया, ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट इसमें हमें मिला। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या लेवल्स पॉसिबल है और कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल था, ये दो रेड कैंडल हुआ गैप डाउन के साथ में, यहाँ पर हमें आज के दिन में और एक ग्रीन कैंडल देखने मिला है। अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली ड्रॉ करो तो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है और प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। अब ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 14,740-750 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी कल के सेशन में तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वापस ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, 14,850 तक के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं, 14,850 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है फिर 15,000-15,200 के लेवल्स भी पॉसिबल है। पहला जो इमीडिएट टारगेट लग रहा है वो 14,850 के आसपास लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस है 14,800 से लेके 14,850 के बीच में, 14,800 टू 14,850 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 14,850 भी सस्टेन करता है तो 15,000 और 15,200 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम लोग निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, और एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, जो कि हैमर कैंडल बना मैंने आपको बताया, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ज्वाइंट हो रहा था, ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी यहाँ पर सपोर्ट था, तो 14,500 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट था, और इसलिए वहां पर जब हैमर कैंडल बना तो हम लोगों ने एग्रेसिवली पुट शॉर्ट करना स्टार्ट किया और काफी अच्छा पैसा आया उसमें। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिला है, और इसके साथ में एक्सट्रीमली बेरिश न्यूज था इलेक्शन का, तो ज्यादातर लोग शॉर्ट्स में थे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर आपने ये पॉइंट भी सीख लिया तो आप मार्केट में काफी अच्छा पैसा बना लोगे, आपको कहीं और कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव न्यूज में पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, पॉजिटिव न्यूज में नेगेटिव प्राइस एक्शन है तो आपको सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी भी मुझे रिट्रेसमेंट लग रहा है, 33,000 तक एक बार रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि आज का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है और 300-400 पॉइंट का और रैली हमें देखने मिल सकता है। सो 33,000-33,100 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और अगर 33,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 33,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली चार्ट पर, तो फिर यहां से मोमेंटम अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो सकता है और फिर हमें 34,000-35,000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 33,000 के लेवल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी फिलहाल इमीडिएटली 33,000 तक टारगेट पॉसिबल लग रहे हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने गैप डाउन किया, यहाँ पर एक अच्छा खासा कप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये कप पैटर्न मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में, जरूर जाके देखना। अब इसका जो कप पैटर्न का जो टारगेट आता है वो आता है 33,400 तक, तो 33,400 तक पॉसिबल है बैंक निफ्टी, 33,000 अगर सस्टेन करता है सबसे पहला वो टारगेट होगा,
और अगर वो सस्टेन करता है तो 300-400 पॉइंट की रैली हमें और देखने मिल सकती है। तो कप पैटर्न का टारगेट आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट करना है। सो कल के सेशन में आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे 14,750 के ऊपर बाय निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 32,750 के ऊपर बाय, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना निफ्टी में, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना बैंक निफ्टी में। बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए और आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। कुछ भी लाइव मार्केट में चेंजेस होगा लेवल्स में तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं और कैश लेवल इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं जिसमें आप इंट्राडे में डेली बेसिस पे 2,000-3,000 रुपए कमा सकते हो। और कुछ लोगों का क्वेरी था कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, तो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है लेकिन अगर आप LISBU में अकाउंट ओपन करते हो हमारे लिंक के थ्रू, ये लिंक ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, तो आप 2 लाख रुपए के कैपिटल में 4-5 लॉट निफ्टी के शॉर्ट सेल कर सकते हो कॉल और पुट ऑप्शन। सो 1 लाख रुपए में अप्रोक्सीमेटली आप 2 या 3 लॉट शॉर्ट कर सकते हो और 2 लाख रुपए में 5 लॉट अराउंड आप शॉर्ट कर सकते हो। तो LISBU में अकाउंट ओपन जरूर कर लेना। हाईएस्ट मार्जिन मिलता है ऑप्शंस राइटिंग में आज के रेट में, अगर आप कंपेयर करो बाकी सारे ब्रोकर से तो LISBU में आपको हाईएस्ट इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग मार्जिन मिलता है। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ LISBU। आज इसमें थोड़ा सर्वर का इशू था मॉर्निंग में लेकिन हम लोग को तुरंत सेंट्रलाइज डीलिंग डेस्क का नंबर मिल गया था तो हम लोगों ने तुरंत ट्रेड कर लिया था। तो LISBU का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, आप ये लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद में हम आपको हमारे प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप में ऐड करते हैं। वो अलग प्राइवेट ग्रुप है प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप जिसमें आपको और भी ट्रेड्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी मिलते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी मिलते हैं और स्टॉक ऑप्शन जैकपॉट ट्रेड्स में मिलते हैं। तो प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी ये टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट का कोर्स है, ओपन ट्रस्ट एनालिसिस सिखाया मैंने, प्योर डेटा एनालिसिस का कोर्स है ये, एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स है, इसमें मैंने जीरोधा स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे एल्गो ट्रेडिंग कैसे करना है वो सिखाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल 1 का कोर्स है, इसमें मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सिखाया है, बेसिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑप्शंस के। ये ऑप्शंस लेवल 2 प्रोग्राम है, इसमें एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाया है, ऑप्शंस राइटिंग टेक्निक के साथ में फायर फाइटिंग एंड एडजस्टमेंट भी कवर है इसमें। और ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, इसमें बेसिक प्लस एडवांस लेवल सेटअप्स कवर किए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स इसमें कवर है, ये हम लोग एल्गो में बिल्ड करना भी सिखाते हैं। तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीखना है कि आपके जो सेटअप्स है वो आप एल्गो में कैसे बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.